दशरथ मांझी, याद है वो शख्स जिसने पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया था? ऐसे ही एक दशरथ मांझी ने बुंदेलखंड में अकेले तालाब खोद डाला है। तालाब खोदा तो ऐसा खोदा कि इंसान तो इंसान, परिंदों का भी गला तृप्त हो गया। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के इस मांझी की कोई पत्नी नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने संन्यास ले लिया हो, जो इंसान बाबा बन गया हो, उस इंसान का इश्क तो समाज से है। समाज का हर एक दर्द उसे उसकी प्रेमिका की तरह तड़पाने लगता है। सूखे की मार और पानी की बूंद बूंद के बुंदेलखंड के इस तड़पन को जब बाबा कृष्णानंद ने देखा तो लोगों की बेरुखी के बावजूद उन्होंने अकेले ही तालाब को खोद दिया। बुंदेलखंड में सूखे के हालात हैं, बूंद बूंद के लिए पानी, जो बूंद बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर इस तालाब को मैं खोद दूंगा, इसमें किसी की रुचि है नहीं, तो इसमें जो है जनता का भला। लेकिन कोई भी इरादा इतना आसान कहाँ होता है? किसी भी काम में मदद इतनी आसानी से कहाँ मिलती है? और वो जब नहीं मिलती, तभी दशरथ मांझी से लेकर कृष्णानंद सरीखे जैसे लोग इरादों की कहानियों के किरदार बनते हैं। एक फावड़े और एक तसले के भरोसे तालाब खोदने वाले कृष्णानंद का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। बुंदेलखंड में हर साल सूखा पड़ता है। गर्मी में हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, मौतें तक हो जाती है। तालाब, कुएं, नदियां सब जवाब दे देती है। उन हालातों में कृष्णानंद ने इस तालाब को गहरा खोद कर तैयार किया और आज इसमें पानी 12 महीने रहता है। ये हमारे गांव की बहुत ही पुरानी धरोहर है, तालाब है जो हमारे गांव का, और इस पे धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा था और खुदाई भी नहीं हुई इसकी, बहुत साल गुजर गए इसको देखते देखते। और जब से महाराज जी यहाँ पे पधारे हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से स्वयं खुदाई करके इस तालाब को पुनः नव निर्मित कर दिया। इसके लिए हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और ग्रामवासियों ने भी कोई खास सहयोग नहीं किया इसके विषय में, उन्होंने अपने अकेले दम इस तालाब की खुदाई करके इसको पुनः नवनिर्मित करके गांव को एक बार दिखा दिया कि मेहनत क्या चीज़ होती है। ये तालाब बनने के बाद में हमारे महाराज जी हैं जो इस तालाब को अपने मेहनत लगन से, तालाब को मेहनत लगन से इसने महाराज जी ने काफ़ी विकास किया है। और इसके बाद जो भी गाँव के सदस्य कुछ साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने अकेले दम से जो है इस तालाब का खुदाई भी किया और खुदाई करते रहे हैं। और इस तालाब से गांव वालों को लाभ भी मिला और जानवर पशुओं को भी लाभ मिला है इसके जान। लोगों की समस्या को दूर करना बाबा का जुनून बन गया है, लेकिन जुनून वालों का इतिहास कहता है कि शुरू में तो उन्हें पागल ही ठहराया जाता है, तो भला कृष्णानंद के साथ ये इतिहास कैसे गलत हो सकता है? शुरुआत में कृष्णानंद को लोगों ने गलत समझा, पागल समझा, लेकिन अपनी जिद से जब इस जुनून को कृष्णानंद ने जीता, तो शुरुआत में गलत समझे जाने वाले कृष्णानंद आज मौजूदा वक्त में सही साबित हुए। साबित हुए तो कुछ इस कदर कि उन्हें बुंदेलखंड का मांझी कहा जाने लगा। सबसे संपर्क किया तो महाराज जी का किसी भी आदमी ने कोई सहयोग नहीं किया। महाराज जी ने अकेले दम पर इतनी तालाब की खुदाई कर दी कि आज सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे गांव तो फायदा उठा ही रहा है, लोग अपने बेसिक दोहन के लिए, प्लस यहाँ का जो भी पशु पक्षी है वो भी इसका फायदा उठा रहा है, प्लस जल स्तर में भी काफ़ी बड़ी हमारे गांव में कुछ जल स्तर में भी सुधार आया है। अब उनको लगा कि हाँ बाबा सही रास्ते पर थे, हम गलत रास्ते पर। पहले उनको ये लग रहा था बाबा गलत रास्ते में, हम सही रास्ते में। बुंदेलखंड के इस मांझी के इरादे मजबूत थे, जुनून ही जज्बात थे और भीतर गहरा दर्द, इसी ने कृष्णानंद को गढ़ा, इसी ने किरदार को गढ़ा और उस किरदार ने कहानी को गढ़ा। लेकिन कुछ कहानियों का अगला हिस्सा भी होता है, वैसे ही कृष्णानंद की इस कहानी का भी अगला हिस्सा है। बाबा इसको मॉडल तालाब बनाना चाहते हैं। इसको अकेले अंजाम दिया, जो भी समय बचा है इसको मॉडल तालाब बनाना, और मैं मांग करूंगा पर्यटक स्थल घोषित करने की। तो मैं गवर्नमेंट से इतना चाहता हूं कि इसमें अतिक्रमण भी है, खाली अतिक्रमण हटा दे, बकाया काम मैं करूंगा और हमारे परिवार के लोग करेंगे।